क्यों कहीं को जाना, आ इधर को आना, मान ले तू कहना आज ना जाना। So what's up everybody, I'm Piyush and welcome back to my channel Piyush the Explorer। So guys, ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है, आज कर रहा हूँ DJI Osmo Action से। So guys, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था आगे में, जो मैं माउंट किया था अपने DJI Osmo Action को, उसका स्ट्रैप खुल गया था तो कैमरा तो गिरते गिरते बच गया। अभी अगर कैमरा गिरता तो पहला मोटो व्लॉग में ही मज़ा आ जाता, पर अच्छा हुआ नहीं गिरा। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गणके। गणके का एक वाटरफॉल है ऊपर, आपको आपके राइट साइड में कार्ड में आपको दिख रहा होगा वो वाटरफॉल, लेकिन अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर एक और वाटरफॉल है जहाँ पे अभी एक शूटिंग चल रहा हो गया एल्बम का, तो वहीं पे मेरे को बुलाया गया है, तो मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ। तो अभी तो रामगढ़ ब्लॉक ही पहुँचे हैं और बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे गणके भी। सो गाइज़, ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है गाइज़, सपोर्ट करो। और ब्लॉग तो टोटल 43 हो गया होगा, 43, 44 समथिंग लाइक दैट, बट पता तो है नहीं। तो गाइज़, अभी आपको मेरी वॉइस सही से आ रही है कि नहीं या विंड ब्लास्ट हो रहा है, इसका तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। माइक को तो माउंट किया था मैंने, पर अब क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या नहीं रिकॉर्ड हो रहा है ये तो आप बता नहीं सकते। तो भाई, जैसा कि अभी आप देखें, हम लोग इधर लेफ्ट लिए हैं। अभी हम लोग रामगढ़ से आए तो लेफ्ट लिए, अगर आप लोग रांची से आ रहे हैं तो राइट ले सकते हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो है गंके वाटरफॉल का, वो यहीं पे मैं शूट कर रहा था, यहीं पे खड़ा होकर मैं शूट कर रहा था और आप लोगों को नेविगेशन के बारे में बता रहा था, और वीडियो को मैं यहीं से स्टार्ट किया था। तो भाई, जो गंके वाटरफॉल है, जो पुराना वाला का है, वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। जो गंके डैम का मैं वीडियो डाला हूँ वो भी आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, तो उसको भी आप विजिट करके देख सकते हो कि वो कैसा है। डैम गाइस छोटा सा है, अभी हम लोग डैम तरफ ही जा रहे हैं, डैम होके ही हम लोग को जाना होगा। चलिए देखते हैं कैसा है। और ये जो लोकेशन है गाइस, ये पूरा एकदम भाई मनाली का पूरा फील देता है। ये आप देख सकते हैं, पीछे पहाड़, इधर पहाड़, और कुछ कुछ टर्निंग्स है, तो आप लोग को थोड़ा देख के आना पड़ेगा। इधर एक बार एक एक्सीडेंट भी हुआ था, कार पूरा स्किड किया था और हम लोग के सामने ही हुआ था। तो हम लोग को जो मैं पुराना वाटरफॉल डाला था उसका गाइज बहुत लोग बोले कि यार तुम सही से लोकेशन नहीं डाल पाए हो, कैसे जाना है। तो गाइज, आपको यहाँ से सीधा जाना है, सीधा, और बहुत लोग इधर मुड़ गए थे, तो इधर मुड़ना नहीं है। अगर अभी जो मैं फॉल जा रहा हूँ उसके लिए इधर मुड़ना है। तो अगर आपको जो पुराना फॉल था वो यहाँ से सीधा है, तो आप सीधा जाके विज़िट कर सकते हो। और अभी फ़िलहाल तो ये सामने है डैम। डैम का भी मैं पुराना वीडियो डाल चुका हूँ, ऊपर जाके ज़रूर देखना। छोटा सा डैम है पर सीजनल डैम है, सिर्फ बरसात में और ठंडा में रहता है, गर्मी में पूरा सूख जाता है, पूरा भाई पूरा ग्राउंड बन जाता है यार। तो जो टीम है वो टीम अभी कहाँ है, उनको फ़ोन करना पड़ेगा। इधर यार सबसे पहला बात तो नेटवर्क इशू, जो कि सबसे बड़ा है, लेकिन पूछते करते हम लोग चले ही जाएंगे। देखते अगर उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई तो, हमको तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, गाड़ी तो है भाई, गाड़ी है। लेकिन वो लोग गए किधर है? उन लोग की गाड़ी नहीं दिख रही है यार। ये गाड़ी हमको लगता नहीं कि उनकी है, कॉल करके पूछा जाए उनसे पहले। इधर का जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, इधर दूर दूर तक आप देख सकते हैं, पहाड़ी पहाड़ है ऊपर। यहाँ से रांची आने का रास्ता है, ऊपर भी आप कटिंग देख रहे हो इतना, यहाँ से रांची जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को विंड ब्लास्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा हो। कहाँ विक्रम भैया? हाँ, कहाँ पे आप? क्या बोलते? सो गाइस, देख हो गया लोचा छोटा सा। वो लोग इस वाले वाटरफॉल पे नहीं गए, वो लोग गए दूसरे वाले वाटरफॉल पे। तो उसका तो भाई मैं ब्लॉग डाल चुका हूँ, पर फिर भी इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा क्योंकि आप लोगों को ये भी दिखाते हैं कि शूटिंग कैसे होता है। और ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग था, तो कैसा ये वीडियो बना है, क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे और भी अच्छी वीडियो आएंगी, और रिस्पॉन्स खराब रहा तो भी अच्छी वीडियो आएंगी। ऐसा बात थोड़ी कि मैं नहीं डालूंगा। तो गाइस शीशा को कर लिया है बंद और वापस से निकल चुके हैं दूसरे लोकेशन पर। गाड़ी को लॉक कर दिए हैं, इसी लोकेशन में चलते हैं भाई। ये अच्छा बनाती है भाई, शिट यार पैर में कुछ लगा है मेरे को। नेटवर्क नहीं है इधर। अरे यार लोगों को गाड़ी कहाँ खड़ा है यार। One eternity later. हम वहां से देख रहे हैं, हमको झरना में कोई दिख नहीं रहा। अभी हम घूम के जा रहे थे, हम बुलेट में चाबी घुसाई दिए थे। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने लोकेशन में पहुंच चुके हैं। यही पीछे वो झरना है और यहाँ भैया लोग खड़े हैं, यहाँ पे अभी शूटिंग होगा। बोल रहे हैं विक्रम भैया कौन सा लैंग्वेज में गाना है? हिंदी और नागपुरी है। तो ये हिंदी और नागपुरी रिमिक्स है एक तरह से, और इसी का भी शूटिंग चल रहा है। तो अभी आपको BTS में दिखाएंगे किसका शूटिंग कैसे होता है। ये गाना का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पर जब ये गाना रिलीज़ होगा उसके बाद ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। और फिलहाल तो अभी देखेंगे कि कैसे एक नागपुरी गाना शूट होता है। इसको नागपुरी बोलेंगे क्योंकि हिंदी तो उसमें से मिक्स है। तो यही है पीछे झरना, यहीं पे और ये शूटिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहता है शूट, और इसका पूरा BTS आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और गाइस अगर अभी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो करो क्योंकि अभी उसमें आपको बहुत सारी क्रिएटिव वीडियोज़ आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि मैं DJI Osmo Action से शूट करके डालता रहूँगा। सो गाइस बने रहो मेरे इस चैनल पर। ढाई घंटा हो चुका है ये शूट होते हुए, चल ही रहा है। तो इस कैमरा का बैटरी लो हो चुका है, कैमरा का बैटरी लो हो चुका है मेरा इस DJI Osmo Action का। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबा दो जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। तो गाइस सी यू।